अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो है संडे व्लॉग, और संडे को चूंकि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो सुबह सुबह नाश्ते के फौरन बाद घर से बाहर साइकिलिंग स्कूटिंग। आज चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया हुआ है तो इस तरह का दाब इस तरह कम ही लगता है। जब कभी बारिश रुकी हो ये लोग साइकिल्स चलाते हैं, और वैसे भी साइकिल्स अब सैटरडे संडे तक ही रह गई हुई हैं, बाकी स्कूल डेज में तो इनको टाइम नहीं इतना मिलता। ये जो है बच्चा, बाकी बच्चे बाहर हैं तो जाहिर है इसने भी बाहर ही बैठना है। नाश्ता किया हुआ नहीं था तो मैंने ग्रेप्स दिए हैं, और ग्रेप्स इतने अजीब तरीके से खाती है कि इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, आप इसके हालात देख लें। जिद्दी इतना है कि ग्रेप्स को काटना नहीं है, दो हिस्सों में नहीं करना, और जब इसने मुंह में डाला होता है ना तो आई कांट ब्रीद, मुझे ये नहीं पता उसको क्या फील हो रहा होता है। तो सबको मैंने इसके पास छोड़ा हुआ, इसको एक मिनट ना छोड़ना जब तक ये ख़त्म नहीं कर लेती। वो इतना इतना बड़ा अंगूर है, उसको उसने पूरी कोशिश करनी होती है किसी तरह खा ले, एंड एज यूजुअल शी इज़ गैगिंग, और वो जो है ना बाद में थूक देती है उसको। अगर मैं इसको कट अप की हूँ ना, मैंने हाफ की हूँ दो में, और एक बार में इसको ज़बरदस्ती एक खिला दूँ ना, फिर खा लेती है। अंगूर उसको पसंद है, लेकिन हम जरा थोड़े अपने जिद्दों के हाथों मजबूर हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वाओ पीटी गर्ल, सही तरह पहले सही तरह, वाओ पीटी गर्ल, गिव मी फाइव, गिव मी फाइव, फाइव फाइव, गुड गुड, पे देम टू मी, 3 2, यू विल सी हाउ स्वीट आई एम, नॉट टू स्ट्रगल, ठीक है। आज काम से वापसी बस है जिसके लिए ये लेके आए हैं जीप, ये लेगो की है। लेगो का आपको पता है मूसा को बहुत शौक है, अजीब गरीब चीज़ें मूसा बनाता रहता है, कभी प्लेन्स कभी बसेस कभी, शौक है उसको बहुत। बड़े वो लेगो के साथ बैठता है ना तो वो घंटा घंटा बैठा रहता है, एंड ही ऑलवेज एंड अप मेकिंग समथिंग अमेजिंग। आपको मैंने दो तीन बार इसकी चीज़ें दिखाई भी हैं। उसके बाद इसके माइंड में आया था कि मैंने मकैनो लेनी है। मकैनो जो है वो लेगो की तरह की होती है, लेकिन वो उसमें ज़रा ज़्यादा टेक्निकल माइंड इन्वॉल्व होते हैं जी। तो मूसा को हम टेस्ट कर रहे थे कि मूसा किस हद तक जो है ना इसको बना सकता है। जितनी भी उसने चीज़ें बनाई थी वो ठीक थी, लेकिन मकैनो जो है आई थिंक इट्स अ बिट टू, शी इज़ अ बिट टू यंग फॉर दैट। इस असद भी ये कह रहे थे कि ये अगर तुमने मुकम्मल कर लिया, इसके दरमियान में उन्होंने मोटर बनाई हुई है और जिससे उस चलती है, ये फुल बैक जो होती है इसको पीछे को खींचो तो आगे जो गाड़ी चलती है ना वो थी, मिडल वाला जो पार्ट है जो मशीन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारे बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स थे उसके, उसके साथ आपने मशीन के इर्दगिर्द से शुरू करना होता है और आपने पूरी जीप बनानी होती है जिस तरह की ये बनी हुई है। ये उसका इंस्ट्रक्शन जो है वन बाय वन उन्होंने दी हुई है नंबर्स के हिसाब से, एक पेज के हिसाब से आप अगर चलते जाओ तो आप बनाते जाते हो। तो मूसा जो है ये स्टार्ट करने लगा है। ये जो सदने सेट लेके दिया है ये इसका टेस्ट है टूवर्ड मकैनो, अगर इसने ये सक्सेसफुली जीप बना ली एंड इट्स एब्सोल्युटली लाइक वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, तो वी कैन कंसिडर मकैनो लाइक विद इन अ ईयर और सो ना वेरी सून। तो मूसा जो है ना यहाँ अपने पार्ट्स खोल के बैठने लगे। इसको मैंने बोला था कि इन्होंने ना पार्ट्स अलग अलग पैकेट्स के अंदर खरीदते हैं, स्क्रूज़ जो है वो अलग पैकेट्स के अंदर हैं, व्हील्स और बड़े पार्ट्स वो अलग पैकेट्स के अंदर हैं। अगर आप वन बाय वन पैकेट्स खोलते हो तो थोड़ी बचाव हो जाता है, अगर सारे पैक्स एक ही बार खुल जाए ना तो फिर ज़रा ज़्यादा मसला हो जाता है। ये इसका मिडिल पार्ट है, इसके ऊपर से मूसा ने शुरू करनी है स्टार्ट पे। यहाँ पर बैठ के बना रहा था और मुझे पता था कि इधर बैठ के कुछ भी नहीं बनना है, क्योंकि वो ये जो लेगो है ना इसके लिए जब तक आपके पास सिरामिक की ट्रे ना हो आपको मज़ा नहीं आता। तो मेरी जो चावल बनी सबसे बड़ी डिश है ना वो मूसा ने निकाल ली है, और ये इसके इर्द गिर्द फिरेगी और उसको कुछ भी नहीं करने देगी, क्योंकि वो लेगो जो है ना इसको बड़े अट्रैक्ट करती है। शुक्र है खाती नहीं है कोई, ये ख़तरा नहीं है मुझे, लेकिन वो जब इस तरह का कोई बड़ा पैकेट खोलो और आपने अपने पीसी संभाल के रखने हैं तो सबसे बड़ा ख़तरा ये है ना मेरा बेटा ना। ओपन कोजे, पुरानी चीज उसको पता नहीं, नॉट दिस, वो कह रही है उसकी चीजें थी इसमें, गर्ल्स की कोई नई रेंज आई हुई थी इस तरह की झुमकियाँ, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें, क्योंकि अपने वो गोल्ड के उतार के ना उसने तो आर्टिफिशियल पहने हुए हैं, एंड आई डोंट इवन नो कि गोल्ड के खाए मैंने, अपने उतार के इस बच्चे को पहनाए थे, लेकिन उसने उतार के ना तो वो वेयर से बड़ी बड़ी झुमकियाँ ली हैं। झुमके पहनने का बहुत शौक है इस तरह को। अब मुझे अपना लेगो वगैरह बनाने लग गया है उधर ही बैठ के, और मैंने जो है वो थोड़ा सा खाना वगैरह रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि सब जो है वो काम से आए हैं, आज साथ उतरे नहीं लेके हुए थे, तो जब वो साथ पैक नहीं लेके जाते लंच तो ज़रा भूख उनको ज़्यादा लगी होती है। ये जो है पैकेट इसका मैंने अनफॉर्चुनेटली फेंक दिया है रैपर, ये आरडी का गार्लिक और चीज़ एंड ऑनियन फ्लेवर ब्रेड का जो है ना वो मिक्सचर था ऑलरेडी, इसको मैंने
गूंद के ना तो आधे पौने घंटे के लिए रखा था, तो ये वैसे ही राइज अप हुई थी जिस तरह यीस्ट उन्होंने अंदर डाला हुआ था, जिस तरह आम नान का आटा होता है तो उस तरह डबल हो जाता है। इसको मैंने ज़रा अच्छी तरह से गूंद लिया था, इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी होती हैं उसी तरह फॉलो करनी होती हैं, बहुत ईजी टू फॉलो होती हैं और चीज़ें भी कोई इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी होती, सिर्फ इसमें पानी ही डालना था। ऑयल आपकी पसंद होती है, अगर आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा हो तो आप ऑयल भी चूज़ कर लें। उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ था जी कि आप इसके गोल गोल बाल बना दें, और गोल बॉल जो है आपको पता है हम थोड़े से घबरा जाते हैं बॉल्स, आई मीन मुझे ये थे अंदर से पकेगा कैसे, मैं उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था लेकिन पक वो बड़ी जल्दी गई थी। आई मीन अगर मेरी चॉइस पे जाए खाने के लिए तो आई कैन गिव इट लाइक 6 out of 10, क्योंकि मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं होती है इस तरह की खट्टी मीठी ब्रेड, लेकिन असद जो है उन्हें फ्रेश बेक हुई ब्रेड बहुत पसंद होती है, चाहे वो किसी किस्म की ऑलडी की वॉसडी हो, पैक मिक्स हो, खुद से बनाया हो घर में लोफ या नान। ब्रेड जब बेक होती है तो जो खुशबू आती है ना वो सब के अंदर ज़रा भूख को बढ़ा देती है, दैट्स इज कनेक्शन टूवर्ड द बेकिंग ब्रेड। तो ये मैंने जो है ना उसके बॉल बनाए थे, पूरा पैकेट यूज़ किया था मैंने, उसके 6 buns बने थे ऑल फॉर ऑल 6 of us, और एक दो जो बच भी जाए वो रात को लेट तक जब जागे होते हैं हम तो कोई ना कोई खा ही लेता है। बच्चों को एक एक ट्रेस करवाऊँगी, आई डोंट थिंक सो के वो इतना ज़्यादा पसंद भी करेंगे। मैंने खुद नहीं खाया था, सिर्फ मैंने टेस्ट ही किया था, इट वॉज जस्ट फाइन, लेकिन असद को बहुत पसंद आई थी तो उन्होंने 2 खाए थे। ये हमारे 6 बंदों के लिए जो है ना हमारा नान रेडी हो गया है, इसको अब मैंने 15 मिनट के लिए बेक किया था। मूसा कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक, वर्क इन प्रोग्रेस। आप पता है कि नहीं, वो बाजियाँ सारी जो है ना उनको बाबा कुछ देने लगे हैं, एंड दे स्टार्ट यू नो गोइंग अराउंड योर ट्रे। अपना तू उठा के ना तो अपने बेड पे मेरा पता चला जा, साफ किया मैंने, हैव यू सीन योर बेड, मैंने सारा टाइडी अप किया, मैं तेरी हेल्प करती हूँ ट्रे लेके ऊपर बैठ के आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाया, हनी आने लगी है उसने तेरी डिश के अंदर ही बैठ जाना शीशे वाली। आ जा ये ले जाऊँ मैं सारे इसके अंदर रखूँ, चल मैं तेरे साथ हेल्प कराती हूँ, उठ जा क्योंकि वो आने लगी है ना, उसने तुझे कुछ भी नहीं करने देना, चला जा। नहीं मैं इसको लेके बेड पे पहले छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बनी ने ना तूफान उठा देना आके चला जा। बना उसने लेनी है, वीली वीली कॉन्सेंट्रेट, टाइम लगाने पे जो बच्चा विलिंग होता है ना वो बना लेता है। हाय लिटिल मंकी, बाबा बुला रहे हैं उधर, चलो नीचे उतरो। ये जी हमारे बन # वलायती ब्रेड जो है ना वो तैयार हो गई है। ये मैं आपको इसको अंदर से खोल के देखने की कोशिश कर रही थी कि सही तरह से बेक हुई है कि नहीं। इसको मैंने 15 मिनट बेक किया था, हाथ मेरा नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन मुझे सिर्फ चेक करना था कि अंदर से रॉ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई हुई थी। ये हमारा जनाब खाना रेडी हो गया, इसके बाद मैंने असद की ट्रे रेडी की थी, असद की डिपिंग ब्रेड होती है बेसिकली, अगर मैं ना बनाऊँ तो वो बाहर से ले आते हैं पैंडे, वो इस तरह की पत्थर टाइप ब्रेड बाहर से भी लेके आते हैं क्योंकि ब्रेड के वो बहुत शौकीन है। तो आ चूँकि गोश्त की करी टाइप सालन जो बना होता है, जो मतलब शोरबा टाइप जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर वो ये डिप करते हैं, उन्हें पसंद है, इसके साथ उनकी थोड़ी सी फ्रूट चाट होती है। बच्चों को भी मैं साथ ही असद के जो है ना खाना खाने के लिए बिठाऊँगी, क्योंकि फिर आपको पता है एक बार वो फारिग होते हैं फिर बच्चे बैठते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं वैसे कैफेटेरिया में सर्व ही कर रही हूँ बस। ये थे जनाब खाना खाने के बाद थोड़ा सा सीन प्यार मोहब्बत वाला। ये छोटियों का आज मैंने मैचिंग ड्रेसिंग कराई हुई है, चूँकि संडे की नाइट होती है तो उस रात टीवी नहीं लगता, जिस दिन सुबह स्कूल हो नो टीवी एनी मोर, दैट्स अ न्यू रूल विच इज़ वर्किंग रियली रियली वेल इन आवर हाउस। सो ये थोड़ा सा खेलती हैं इस टाइम पे, बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, इसके बाद अगर कुछ स्नैक लेना हो वो ले लेते हैं, कोई फ्रूट वगैरह, और फिर सोने चले जाते हैं। जी हमारा संडे का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।